एक्सरसाइज 1.5 है, क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। राउंड द नंबर्स, देखें राउंडिंग हम करते रहें पीछे, अगर रकम 5 हो या 5 से बड़ी हो तो हम 1 का इजाफा करते रहें, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स हैं और कुछ डेसिमल हैं, नया कंसेप्ट है नेगेटिव नंबर्स में टुवर्ड द ज़ीरो या अवे फ्रॉम द ज़ीरो का कंसेप्ट आ गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ नंबर लाइन आपको बना के दिखाऊं तो पीछे हमने क्वेश्चन भी किए हैं उसके, ये होता है ज़ीरो, इस तरफ पॉजिटिव नंबर होते हैं और इस तरफ नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब नेगेटिव में जितना हम ज़ीरो से दूर जाएंगे ना उतना वो नंबर छोटा होता जाएगा, ठीक है। यानी अगर -4 है तो वो छोटा है 1 से, क्योंकि नेगेटिव लग गए। जब किसी की चीज़ के साथ नेगेटिव लग जाए वो जितनी बड़ी होती जाएगी उतनी छोटी होती जाएगी, ठीक है। और पॉजिटिव की तरफ जितना बड़ा होगा वो बड़ा ही होता है, ओके। तो अब देखें फर्स्ट वाला पार्ट, -27.3289। अब इसमें वो कह रहा है कि इसको राउंड करें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 3 यानी 3 नंबर्स तक इसको क्या करें आप राउंड कर दें। 3 रकमों तक देखें तो 27.3 बनता है, ओके। अब ये क्या है, अवे फ्रॉम ज़ीरो, अवे फ्रॉम ज़ीरो। अब अगर तो बेटा ये चीज़ आपने बस देखनी है, अगर यहाँ जो चौथी रकम है वो 5 हो या 5 से बड़ी हो और अवे कहा गया हो तो 1 का इजाफा कर देना, लेकिन वो जो कोई छोटी है इसलिए हम इजाफा नहीं करेंगे। इसी सवाल को देखें, अगर ऐसे होता -27.3689, अब यहाँ जो कि ये 5 से बड़ी है या 5 होनी चाहिए थी तो अवे वाले में 1 का इजाफा कर देना था हमने ऐसे, ठीक है। ये चीज़ है बस इन क्वेश्चंस के अंदर उल्ट काम करना, टुवर्ड ज़ीरो के 1 का इजाफा नहीं करना क्योंकि वो वैसे बड़ी होती है, और अवे में जितनी छोटी होगी वो, यानी वो छोटी हो जाती है ना, वे का मतलब होता है छोटी रकम चाहिए, सही है। अब सेकंड वाला पॉइंट देखें, 59058, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो 2 में क्या जगह 5 और 9, आगे 0 है, 0 कुछ भी नहीं करता ना, उससे इजाफा हो सकता है और ना ही कमी हो सकती है, ठीक है। और राउंड ऑफ कर दिया हमने इसको, ओके। और तीसरा देखें, 3rd पार्ट में है -1.2569, इसमें भी हमने क्या करना है, इसको 3rd वाले पार्ट में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए बेटा। 3 अब देखें ये 5 से बड़ी है तो, और हम सवाल में क्या करें, अवे, अवे वाला हो तो 1 का इजाफा करना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखें इसका 4th वाला पार्ट है, उसमें हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है, सही है। फोर्थ वाला पार्ट दो सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो बस -17 आ जाएगा, ठीक है। आगे 1 का इजाफा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जो 3rd वाली रकम है वो ना तो 5 है ना ही 5 से
बड़ी है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ वाला पार्ट है, जीरो पॉइंट जीरो जीरो थ्री एट फाइव सेवन, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स था। बेटा शुरू में जो ज़ीरो होते हैं ना वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, शुरू में जो ज़ीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो तीन रकमों तक करने हैं तो ये तीन रकमें बनती हैं, ठीक है। पॉइंट थ्री एट फाइव शुरू वाले वैसे लिख देंगे, थ्री एट अभी चूँकि बढ़ी है पाँच से, तो यहाँ पर हम इसका इजाफा कर देंगे, नेगेटिव ख़त्म हो गया, अब सिंपल रूटीन में पाँच से बड़ा होगा तो एक का इजाफा कर देंगे, ठीक है। लास्ट वाला पार्ट, लास्ट वाला पार्ट है ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो फोर सिक्स सेवन फोर फाइव थ्री, इसमें भी थ्री सिग्निफिकेंट फिगर, शुरू वाले ज़ीरो इग्नोर करेंगे, फोर सिक्स अब चूंकि ना तो ये पाँच है ना पाँच से बड़ी है चौथी रकम जो है, इसलिए यहाँ पर इजाफा नहीं होगा, ज़ीरो पॉइंट फोर सिक्स और ठीक है जी। तो ये थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमने क्या कर दिए, इसको राउंड कर दिए। तो आगे देखें, अच्छा बच्चों एक चीज़ देख लें, अगर पॉइंट वाला क्वेश्चन होगा तो आपने सिंपल ऐसे लिखने, आगे जितनी रकमें होंगी उनको इग्नोर कर लें और राउंड कर लें। अगर पॉइंट के बाद मतलब पॉइंट वाली रकम नहीं है, फिर जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स कहे गए हैं वो तो लिखेंगे, जो बाकी रकमें होंगी उनका हमने ज़ीरो लगा देना। पॉइंट वाले में और इसमें ये फ़र्क है, ये आपने याद रखना है बड़े अच्छे तरीके से, ठीक है। पॉइंट वाले में तो राउंड करना है ना, छोड़ देना है। अब एक और चीज़ देखें, अब अगर मसलन ये वाला सवाल देखें, माइनस वन टू फाइव सिक्स नाइन, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने इसको राउंड करना है। अब इन सवाल में था कि अवे फ्रॉम ज़ीरो, अगर होता टूवर्ड ज़ीरो, बेटा जब टूवर्ड ज़ीरो आएगा ना तो फिर आपने चाहे ये पाँच से बड़ी है इसके वन का इजाफा नहीं करना, ठीक है। ये ऐसे आना तो आगे जितनी रकमें उतने ज़ीरो आ जाएंगे, ये आपने याद रखना, क्योंकि नेगेटिव में जितनी छोटी होती है उतनी रकम बड़ी होती है। तो ये कंसेप्ट आई होगा आपको समझ आ गया होगा, अगर फिर भी आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।